हेलो इस पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अडर 247। दिस इज़ सोनू और आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर के बेसिस पे कुछ और एमसीक्यूज़। ठीक है, सो आज के जो हमारे एमसीक्यूज़ रहेंगे वो लास्ट डे से जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहे थे उनसे मैंने सारे क्वेश्चन आपके लिए सेट किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, कुछ बच्चों को वहाँ पर प्रॉब्लम था लास्ट क्लास में कि आप इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, सो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे बोला जा रहा है, वीरा द इंडियन कोस्ट गार्ड शिप हैज बीन कमीशन एट अ सेरेमनी रिसेंटली, हु इज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ओके, सो आपको बताना है कि वीरा जो गार्ड शिप है उसको कमीशन कर दिया गया है। अब आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मी स्टाफ जो हैं उनके चीफ कौन हैं। देखो, यहाँ पर आर्मी स्टाफ के चीफ क्यों पूछे गए हैं आपसे, क्योंकि जो इनोग्रेशन हुआ, ये जो कमीशन किया गया था, ओके, सो ये जो शिप कमीशन किया था वो किसने किया था, हमारे आर्मी स्टाफ के जो चीफ है उन्होंने इसको कमीशन किया था। अब आपको बताना है कि जो हमारे आर्मी स्टाफ है उसके चीफ कौन है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर बताना है कमेंट करके। यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी बिपिन रावत। ठीक है, सो बिपिन रावत जो है वो हमारे आर्मी चीफ है, ये आपको याद रख लेना है। इसके अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन है यहाँ से जो आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट चीज़, हमने बात कर ली आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ कौन है, हमारे BS धनोआ हैं। इसके अलावा आपसे क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है हमारे नेवी के चीफ। ठीक है, तो अगर आपसे नेवी के चीफ पूछे जाएंगे, देखो सुनील लांबा हमारे नेवी चीफ थे लेकिन अभी उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया, अब जो बन गए हैं वो बन गए हैं करमबीर सिंह। ठीक है, तो आपको जो अब नाम याद रख लेना है वो करमबीर सिंह याद रखना है। ठीक है, सो करमबीर सिंह इज अवर नेवी चीफ। ओके, अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा जा सकता है वो आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे ए स्टाफ के चीफ कौन है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा, अगर आपसे पूछा जाता है, एयर चीफ पूछा जाता है, तो आप क्या बता देंगे, यहां पर BS धनोआ, BS धनोआ, या फिर बोला जा सकता है इनको बीरेंद्र सिंह धनोआ। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे एयर चीफ है। आई होप कि आपको सारी जो चीजें हैं वो अच्छे समझ आ गई होंगी, सारी चीजें जो है क्लियर हो गई होंगी। इफ यू हैव एनीथिंग एनी डाउट तो आप यहां कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आप इमेज भी देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये हमारे आर्मी चीफ है जिनका नाम क्या है, बिपिन रावत है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, क्या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक। ठीक है, तो जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे आपके बैंकिंग एग्जामिनेशन में डेफिनेटली पूछा जा सकता है। सो इन दिस क्वेश्चन इट इज आस्क्ड, IMF एंड वर्ल्ड बैंक लॉन्च्ड अ टोकन। ठीक है, IMF और वर्ल्ड बैंक जो है उन्होंने एक टोकन लॉन्च किया है फॉर इट्स एम्प्लॉइज टू अंडरस्टैंड द ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ओके, सो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए। ठीक है, किसने लॉन्च किया, IMF और वर्ल्ड बैंक ने लॉन्च किया। आपको बताना है उस टोकन का नाम क्या है, ABCD ऑप्शन में से। ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर D, यानी बोथ A और B। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्या टोकन है, क्या बात है ये। ओके, सो वी विल डिस्कस अबाउट दिस टोकन। दिस टोकन इज अ काइंड ऑफ रिवॉर्ड which will be given by World Bank and IMF to its employees. Okay, so it is a kind of reward. There is no real value for this token. Okay, so you have to understand this thing. This is just a kind of reward, not a money kind of thing. Okay, so यहाँ पर आपने देखा कि उसके दो दो नाम हैं, क्या क्या बोल सकते हैं उसको हम, या तो आप उसको A यानी लर्निंग टोकन भी बोल सकते हैं, या फिर उसको क्या बोला जा सकता है, शूडो टोकन बोला जा सकता है। अब यहाँ पर एक बात आ गई है, लर्निंग टोकन यानी वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सिखाने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो लर्निंग टोकन ठीक है, लेकिन शूडो टोकन क्यों यूज़ हुआ है, बिकॉज इट हैव नो वैल्यू, देर इज नो रियल वैल्यू। सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस, यू हैव टू टेल मी वट हु इज़ द प्रेजिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। ओके, सो यहाँ पर जो आपको बताना है वो बताना है कि वर्ल्ड बैंक जो है उसकी जो प्रेजिडेंट है रिसेंटली अपॉइंटेड, आपको उनका नाम बताना है यहाँ पर मुझे कमेंट करके। तो जो प्रेसिडेंट हैं उनका क्या नाम है ये आप मुझे बताएंगे यहाँ पर, और आपको बताना है कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है। आई होप कि हेडक्वार्टर सबको पता होगा, Washington DC जो है वो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, और इसके जो वर्ल्ड बैंक के अभी जो चीफ बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं, उनका नाम है डेविड मेलपास। ओके, सो मैं आपको बता देती हूँ, डेविड मेलपास जो हैं
वो क्या बन गए, प्रेसिडेंट बन गए हैं वर्ल्ड बैंक के। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ही इज 13th प्रेसिडेंट। ओके, सो कितने नंबर वाले प्रेसिडेंट बने हैं, 13th प्रेसिडेंट बन गए हैं इस टाइम पे। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर हियर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया टू सपोर्ट EMV कार्ड। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का पहला ऐसा पब्लिक सेक्टर बैंक कौन सा बन गया है जो सपोर्ट करने वाला है EMV कार्ड को। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, वट इज EMV। ओके, सो यू मस्ट नो द डेफिनेशन एंड यू मस्ट नो द फुल एब्रीवेशन ऑफ द EMV। वट डज EMV स्टैंड फॉर हियर? Europlay, E stands for Europlay, M stands for MasterCard, and V stands for Visa. Okay, so what is the full form? EMV stands for Europlay, MasterCard, Visa. Okay, so this is one important abbreviation, this is one important full form that you have to remember here. Okay, so the correct answer here is Canara Bank. Okay. So option number C is the correct answer. Canara Bank became the first public sector bank who has implemented the EMV card. अब देखिए, आपको ये बात पता होनी चाहिए, what is an EMV card in actual, okay? जब हमारे ATM, आपको पता होगा ATM कई बार क्या हो जाता है, हमारे ATM खो जाते हैं, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो सकता है, जो आपका पैसा होता है किसी दूसरी पर्सन के पास चला जाता है, वो आपके मिसयूज़ कर सकता है आपके ATM कार्ड का। तो उसको रोकने के लिए अभी RBI ने ऑर्डर किया था सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि आपको EMV कार्ड जो है, एक एक EMV जो चिप होता है उसको यूज़ करना पड़ेगा अपने ATM कार्ड्स में, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट किसने किया, सबसे पहले कैनरा बैंक ने किया। अब यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है और कैनरा बैंक के MD CEO कौन है। ओके, सो कैनरा बैंक जो है उसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुझे बताना है। कैनरा बैंक जो है उसका जो हेडक्वार्टर है हमारा वो कहाँ पर है, बेंगलुरु में है, ठीक है। और उसके MD का नाम क्या है, MD जो है उनका नाम है शंकर, ठीक है। तो शंकरा जो है वो क्या है, MD है कैनरा बैंक के। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, बेंगलुरु में है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following bank received approval for merger with Group Finance? Okay, अभी recently Group Finance जो है वो काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। आपको बताना है कौन सा ऐसा बैंक है ABCD ऑप्शन में से जिससे अपना मर्जर जो है वो अप्रूव कर दिया है ग्रुप फाइनेंस के साथ में। सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर B, यानी बंधन बैंक। ओके, सो बंधन बैंक इज द करेक्ट आंसर हियर। अब आपको क्या करना है, आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे बंधन बैंक के MD कौन है और बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। ओके, तो आपको क्या बताना है, बंधन बैंक के सारे जो फैक्ट्स हैं यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बंधन बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो है हमारे वेस्ट बंगाल में। ओके, वेस्ट बंगाल कोलकाता जो है वो किसका हेडक्वार्टर है, बंधन बैंक का हेडक्वार्टर है। MD जो है वो आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। So the next question is, which of the following day observed as International Day of Monuments and Sites? देखिए क्या है, आपका स्टैटिक अवेयरनेस में आपसे इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी जा सकती है, जिसमें एक क्या है, आपके इंपॉर्टेंट डेज हैं। इंपॉर्टेंट डे आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है याद करना। तो इंपॉर्टेंट डेज सेलेक्टेड जो होंगे वो हम अपनी करंट अफेयर क्लास में कवर कर लेंगे। यहाँ पर आपको बताना है जो हमारा इंटरनेशनल डे है मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स के लिए वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ABCD में से करेक्ट आंसर क्या है, 25th अप्रैल के बाद फाइनेंस सर्विसेज नहीं आना चाहिए थे, गलती से यहाँ पर टाइप हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, यानी 18th अप्रैल, ठीक है। सो 18th अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे मनाते हैं मोन्यूमेंट्स का। देखिए जब भी कोई डे आता है न्यूज़ में, ठीक है, तो हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एक तो पहले कि उस दिन है क्या, 18th अप्रैल जो है आपको याद रख लेना है, पहली चीज़ तो इंटरनेशनल डे है मोन्यूमेंट्स एंड साइट्स के लिए। सेकंड थिंग जो आपको यहाँ पर याद रख लेनी है वो है इसका थीम या फिर इसके साथ जो टैगलाइन आया है वो, ठीक है। तो इसके लिए जो थीम आया है, जो टैगलाइन आया है वो है रूरल लैंडस्केप्स, ठीक है। सो आपको क्या याद रख लेना है, यहाँ पर आपको जो इसका थीम याद रखना है वो हमारा थीम क्या हो जाएगा, रूरल लैंडस्केप्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाले जो थीम है ये भी आपको याद रख लेना है 18th अप्रैल से, ठीक है। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपका बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है. बैंकिंग करंट अफेयर जो है काफ़ी पूछा जाता है आपसे, तो अगेन आपको बताना है यहाँ पर विच फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू इंटीग्रेट विद UPI. देखो आंसर आपको बाद में करना है, आपको पहले मुझे बताना है यहाँ पर कि UPI जो है उसका फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, सो आपको बताना है UPI का फुल फॉर्म क्या है. अगेन आपको बताना है सिक्स्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर. तो सिक्स्थ क्वेश्चन का जो हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी ET Money. देखो ET Money जो है उसने इंटीग्रेट कर लिया है, किसके साथ इंटीग्रेट किया है उसने, UPI के साथ में. ठीक है, अब UPI जो है उसका फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होना चाहिए. UPI का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफाइड पेमेंट एंड इंटरफेस. ओके, सो UPI का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. अब आपसे एक और चीज यहां पर पूछा जा सकता है कि UPI को डेवलप किसने किया है, तो अगर आपसे ऐसा पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये जो है इसने किसको डेवलप किया था, UPI को डेवलप किया था. उसके बाद UPI का मर्जर किसके साथ हो गया, ET Money के साथ में मर्जर हो गया. ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी. अब थोड़ा हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके NPCI के बारे में. ठीक है, सो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपके लिए, एक तो UPI हो गया और दूसरा क्या हो गया, NPCI हो गया. NPCI का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है NPCI का फुल फॉर्म है. अब ये है क्या चीज़, देखो जो भी हमारे डिजिटल पेमेंट्स होती है, हमारे ऑनलाइन पेमेंट्स जो होती हैं उसको एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है. ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है. ये आपसे बैंकिंग अवेयरनेस में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको याद रख लेना है. ठीक है, सो ये क्या है, हमारा NPCI जो है वो हमारा डिजिटल पेमेंट्स के लिए क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है. अब आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि NPCI जो है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था. ठीक है, तो आई होप कि आपको इस क्वेश्चन से जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से समझ में आ गई हैं. अगर आपको कुछ भी समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं हर एक चीज़ को आपको लिख कर बता रही हूँ. सो आई होप आपको सारी चीज़ें जो है क्लियर होंगी. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पर जो हमारे करेक्ट आंसर है वो है ET Money, यानी ऑप्शन नंबर बी. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो ये आप इमेज भी देख सकते हैं ET Money का. हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें बोला जा रहा है विच सिटी होस्टेड द रिजिलियंट सिटीज एशिया पैसिफिक RCEP 2019 कांग्रेस. ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक बात हो गई है, मैंने आपको बताया था कि आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करंट अफेयर में याद रख लेनी है, क्या, बैंकिंग अफेयर्स, यानी बैंकिंग से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आ रहा है. सेकेंड थिंग, जो भी अपॉइंटमेंट हो रहा है. ठीक है, थर्ड थिंग, जो भी आपके वेन्यू होते हैं, वेन्यूज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो अगर आपसे पूछा जाएगा RCEP कांग्रेस का वेन्यू, तो आप यहाँ पर क्या बताएंगे, वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे. यहाँ पर जो वेन्यू रहा है इस बार वो इंडिया रहा है. इंडिया में कौन सी सिटी रही है, न्यू दिल्ली. ओके, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी न्यू दिल्ली. ठीक है, सो इससे बस आपको यही इन्फॉर्मेशन जो थी वो आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, जो आपको याद रख लेनी है. मूव करते हैं यहाँ पर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो मैंने आपको एक चीज़ याद रखनी है, जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डिफेंस से अगर रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो भी एक्सरसाइजेस होते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ठीक है, सो कोई भी अगर एक्सरसाइज हो रहा है तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ये एक एक्सरसाइज हुआ था इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, ये आपको बताना है. INVPN bilateral exercise took place between India and which country? Okay, so आपको बताना है इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में ये पूरा एक्सरसाइज चला है. ABCD ऑप्शन में से क्या ऑप्शन है करेक्ट आंसर यहाँ पर. ठीक है, सो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी वियतनाम. अब आपको क्या करना है, अब आपको मुझे बताना है वियतनाम की कैपिटल एंड करेंसी क्या है. ठीक है, देखो कोई भी अगर कंट्री न्यूज़ में है तो उसका कैपिटल करेंसी जो है वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि वो आपके लिए याद रखना काफ़ी ज़रूरी है. वियतनाम की कैपिटल एंड करेंसी की बात कर लेते हैं. वियतनाम जो है हमारा, उसकी जो कैपिटल है वो क्या है, हनोई है. ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, डोंग है. ओके, सो आपको याद रख लेना है वियतनाम, हनोई एंड
डोंग, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं कि वेंजुएला की क्या है कैपिटल करेंसी, उज्बेकिस्तान की क्या है, मतलब बाकी सारी जो कंट्रीज आपको दिखती है उसके भी स्टैट इफेक्ट्स आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या है ये आप मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताएंगे अगेन। ओके, सो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर विद ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसके साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट किया है टू लॉन्च द 1 डे फॉर चिल्ड्रन टूर्नामेंट। देखो, चिल्ड्रन जो हैं उनके लिए एक टूर्नामेंट रखा जाएगा, क्रिकेट टूर्नामेंट, उसके लिए ICC ने पार्टनरशिप कर लिया है किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, या फिर बोल सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप किया है ICC के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी यूनिसेफ। ठीक है, तो अब यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो गई है, हमारे पास दो ऑर्गेनाइजेशन आई हैं जिसके बारे में आप जो भी स्टैटिक फैक्ट्स है जो आपको पता है वो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी बात हुई यूनिसेफ की हुई है, और सेकेंड जो बात हुई है वो किसकी हुई है, ICC की हुई है। ठीक है, तो ICC जो है उसके सर्टिफाइड्स भी आप कमेंट कर सकते हैं और यूनिसेफ के भी सर्टिफाइड जो हैं आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। अब यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो अगर आपसे यूनिसेफ का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बता देंगे, न्यूयॉर्क जो है वो हेडक्वार्टर है किसका, यूनिसेफ का। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये जो चीज़ है वो क्लियर हो गई होगी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सो ये फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन है, अब फीफा के भी फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए यहाँ पर। ठीक है, किससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया हमारा, फीफा से रिलेटेड। क्या हुआ, जोस मारिया मरीन हैज़ बीन बैंड फॉर लाइफ बाय फीफा। ठीक है, तो फीफा ने क्या कर दिया है, जोस मारिया मरीन जो है उनको क्या कर दिया, बैन कर दिया है। ठीक है, तो आपको बताना है ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं ABCD ऑप्शन में से, और आपको क्या करना है उसके साथ में उसके सारे जो कैपिटल करेंसी है वो भी आपको यहाँ पर कमेंट करना है। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राज़ील। ठीक है, तो जोस मारिया जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। अब आपको एक और जो चीज़ बतानी थी वो बताना है आपको इसके साथ में कि फीफा जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मैं आपको बता देती हूँ, ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड जो है वो हेडक्वार्टर किसका है, फीफा का है, और ये तो सबको ही पता होगा। यानी इन्फेंटिनो जो हैं वो इसके हेड हैं। ठीक है, तो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपको किसे याद रख लेनी है, आपको फीफा से याद रख लेनी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर। सो क्वेश्चन नंबर 11, अगेन आपका एक क्वेश्चन बोल सकते हैं स्टैटिक अवेयरनेस में ही भी पूछा जा सकता है, अगेन आपसे एक इंपॉर्टेंट डे पूछा जा रहा है, आपको बताना है इस डे का कौन से डे को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड हेमोफीलिया डे। ओके, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड हेमोफीलिया डे, किस दिन मनाया जाता है, इसके साथ साथ आप बताएंगे कि उस दिन का थीम क्या था। ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर सी, यानी 17 अप्रैल जो है उसको हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जो है आपको यहाँ पर याद रख लेनी है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए, देखो हेमोफीलिया में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, कई बार क्या होती है आपको चोट लग जाती है उसकी वजह से कई कट हो जाता है, लेकिन वो ब्लड वहाँ पर क्लोट हो जाता है, लेकिन कुछ लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, वहाँ पर क्लोटिंग नहीं हो पाती है जिसकी वजह से उनका ब्लड लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसकी एक रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारा वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाया जाता है 17 अप्रैल को। अब यहाँ पर क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है इसका थीम। ठीक है, थीम बोल सकते हैं या फिर इसका टैगलाइन बोल सकते हैं, वो क्या था 17 अप्रैल का, रीचिंग आउट। ओके, रीचिंग आउट जो है वो क्या था, इसका थीम था किसका, 17 अप्रैल का, जिस दिन हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे मनाते हैं। 18 अप्रैल को मैंने आपको बताया था वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है। ठीक है, सो आपको दोनों ही चीजें जो है याद रख लेनी है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्पोर्ट्स पर्सन की बात हो रखी है, आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग रिगेन द वर्ल्ड नंबर 1 स्पोर्ट इन मैन 65 kg कैटेगरी बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग। ठीक है, तो एक कैंडिडेट जो रेसलिंग से रिलेटेड हैं और वो अभी टॉप पोजीशन पे है, यानी नंबर 1 पोजीशन पे है रेसलिंग में, आपको बताना है, और उनका जो नाम है वो है बजरंग पूनिया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको बजरंग पूनिया का जो नाम है वो याद रख लेना है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
सो दिस इज द क्वेश्चन जिसमें आपके पास ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो काफी कंट्रीज का नाम आया है. तो जहां पर भी कंट्रीज का नाम आएगा मैंने आपको बता रखा है आपको क्या करना है, उस कंट्री का कैपिटल और करेंसी जो है आपको मुझे कमेंट करके बताना है. क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच कंट्री अप्रूव्ड अ बिल लेबलिंग यूएस फोर्सेज इन द मिडल ईस्ट एज टेररिस्ट ग्रुप, यानी कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने जो यूएस की फोर्सेज हैं उनको क्या बुलाया है, टेररिस्ट ग्रुप बुलाया है. ठीक है, तो ये जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी ईरान. ठीक है, तो ईरान जो है यहाँ पर पहली बात तो हो गई हमारे किसकी बात हो गई है, ईरान की बात हो गई है, फिर हमने किसकी बात की है, इराक की बात की है. ठीक है, तो इन सारे कंट्रीज के सर्टिफिकेट्स आपको मुझे यहाँ पर कमेंट कर बताने हैं. साउथ कोरिया की बात हो गई है और इंडोनेशिया की बात हो गई है. ठीक है, तो ईरान जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर, ईरान ने क्या बोला कि यूएस की जो फोर्सेज हैं वो क्या हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं. अब ईरान की कैपिटल करेंसी क्या है, ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान. ठीक है, ईरान की जो कैपिटल है वो क्या है, तेहरान है. करेंसी हमारी क्या है, रियल है. ठीक है, तो ईरान की जो कैपिटल है तेहरान है, करेंसी रियल है. इराक ये तो सबको पता होगा, इराक की जो कैपिटल है वो है बगदाद और करेंसी जो है वो क्या है, रियल है. ठीक है, अब इसके अलावा आपके आपसे पूछा जा रहा है साउथ कोरिया एंड इंडोनेशिया, इन दोनों का जो कैपिटल करेंसी है वो आपको कमेंट करके बताना है. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ओके, सो आपको बताने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है. देखो मैंने आपके लिए आज क्वेश्चन जो रखे, आपने देखा मैंने इंपॉर्टेंट डेज रखे आपके लिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन रख लिए. अब हम जो क्वेश्चन देखने वाले हैं हम साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन देखने वाले हैं. ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है द टेस्ट, देखो टेस्ट जो लॉन्च किया गया था मिशन, टेस्ट मिशन जो है वो किसका मिशन है, नासा का है, ये आपको पता होना चाहिए. टेस्ट मिशन जब लॉन्च किया गया था तो हमारे जो एग्जामिनेशन हुए थे पीछे, बैंक एग्जामिनेशन हुए थे, उसमें आपसे टेस्ट का फुल फॉर्म पूछा गया था. तो आपको याद रखना है टेस्ट का जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लेनेट सर्विस सैटेलाइट. ओके, सो इट वाज अ मिशन विच डिस्कवर्ड फर्स्ट अर्थ साइज प्लैनेट. ठीक है, तो टेस्ट जो मिशन है उसने क्या एक डिस्कवर किया है, एक अर्थ की साइज का प्लैनेट डिस्कवर कर लिया है. तो आपको बताना है व्हाट इज द प्लैनेट नेम्ड. ओके, सो उस प्लैनेट का नाम क्या है ये आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से. और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, HD 21749 एंड देन सी. ठीक है, तो आपको लास्ट में ही सी भी याद रख लेना है, ये पूरा नंबर आपको याद रख लेना है. डेफिनेटली आपसे ये पूछा जा सकता है साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो. ठीक है, सो एक और चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर किसकी बात हो गई है, नासा की बात हो गई, अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है, तो आपको क्या बताना है नासा की का हेडक्वार्टर, देखो नासा का जो हेडक्वार्टर है हमारा वो है वॉशिंगटन डीसी में. ठीक है, तो नासा का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा वॉशिंगटन डीसी में है. और अगर आपसे इसके हेड पूछे जाएंगे तो आप क्या बता देंगे, चार्ल्स बोल्डन जो हैं वो क्या हैं, नासा के क्या हैं, हेड हैं. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रख लेनी है, आपको टेस्ट भी याद रख लेना है, टेस्ट का फुल फॉर्म क्या है, और टेस्ट जो मिशन था उसने सेकंड डिस्कवरी किया है ये वाली, तो आप उस प्लैनेट का नाम याद रखना है. मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो दिस इज द क्वेश्चन जहाँ पर आपसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के बारे में कुछ पूछा जा रहा है. मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सेटअप इंडो पैसिफिक विंग. ठीक है, तो इंडो पैसिफिक विंग जो है वो किसने सेटअप किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने सेटअप किया है. आपसे पूछा जा रहा है हु हेडेड इंडो पैसिफिक विंग. ठीक है, तो इंडो पैसिफिक विंग जो हमारा है उसको हेड किसने किया है, ए बी सी डी ऑप्शन में से आपको बताना है, ये आपका फाइनल क्वेश्चन है. ठीक है, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, जितना भी आपका स्कोर रहा है आप मुझे यहाँ पर लास्ट में कमेंट करके बताएंगे. यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी विक्रम दोरेस्वामी जो हैं वो क्या हैं, हमारे हेड हैं इंडो पैसिफिक विंग के लिए. ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेना है. अब आपको क्या करना है, आपके सारे क्वेश्चन जो हैं वो हो चुके हैं टोटल, आज हमने जो क्वेश्चन किए वो 15 क्वेश्चन किए. आपको क्या करना है, इन 15 क्वेश्चन में से आपके कितने जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट हुए हैं ये आप यहाँ पर जेन्युइनली कमेंट करके बताएंगे. मतलब जितना भी आपका स्कोर रहा है आप बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हैं. किसी भी क्वेश्चन से कोई भी डाउट है आपको तो भी आप कमेंट कर सकते हैं. ओके, सो आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा. सेशन पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे.